Happy morning, my dear friends. Dear friends, in the last video, I discussed how to make a discrete frequency distribution. Now, it is not important every time, then we have to move for the important method, and that is continuous frequency distribution. My dear friends, today I would like to suggest, share some important aspects how to prepare continuous frequency distribution. So see here, first of all, ये आपने देखा होगा स्टैंडर्ड 8 9 10th में आपने कुछ सम्स प्रिपेयर किए होंगे, ऐसे क्लासेस आपके पास होते थे 0 टू 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 एंड सो ऑन, बराबर क्लियर हो गया। अभी सबसे पहला पॉइंट ये आएगा बेटा कि हमें ये कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब प्रिपेयर करना है। सी ऑल इयर एलिजिबल हम टेलीमार्क्स तो कर ही सकते हैं, ये वाला तुमको आता है कौन सी चीज कहां पे आ रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि हाउ मेनी क्लासेस, बेटा कितने क्लासेस प्रिपेयर करने हैं। रिमेंबर योर नंबर ऑफ क्लासेस लाइ बिटवीन 6 टू 15, कम से कम आपको 6 क्लासेस प्रिपेयर करने पड़ेंगे और मैक्सिमम 15 ही प्रिपेयर कर सकते हो। समटाइम्स किसी स्पेशल कंडीशंस में आप लेस देन 6 जा सकते हो और मोर देन 15 भी जा सकते हो, देखा ना कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट डिस्कस किया मैंने आपको। But whenever they have suggested, then only we have to prepare less than 6 classes and more than 15 classes. But it is up to us. मान लो कि हमें खुद को डिसाइड करना है, तो हमारे क्लासेस क्या रखेंगे, हम लोग 6 और 15 के बीच में ही रखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, जब भी आप क्लासेस प्रिपेयर करने जाओ, कौन से कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लासेस कितने होने चाहिए, यस माय डियर फ्रेंड्स की रेंज क्या है, इट इज मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 15। इन द स्पेशल केसेस वी मे प्रिपेयर लेस देन 6 एंड मोर देन 15 क्लासेस, सम्स आएंगे तो डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम लोग आर फाइंड करना होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज, बराबर। आर का फॉर्मूला भी कल डिस्कस किया था कि आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स एच माइनस एक्स एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसका डिफरेंस अगर स्मॉल आता है, इफ इट इज वेरी स्मॉल, देन वी हैव टू प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ इट इज अ लार्ज एरिया, अगर ये आंसर लार्ज आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रिपेयर करेंगे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये कोई भी अमाउंट आ जाएगा, बराबर है। अभी आपको क्लास लेंथ फाइंड करना है, सी सी फॉर क्लास लेंथ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बोले आर अपन के, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, C इज इक्वल्स टू R अपन K, R फॉर रेंज, रेंज के लिए है, और K इट इज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्लासेस, मतलब ये हमने डिस्कस किया ना कितने क्लासेस आप प्रिपेयर करोगे 6 टू 15 के लिए। तो इसका आंसर आएगा, मान लो कि आपको रेंज फाइंड कर C * K करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा, बराबर है। तो आपको क्लासेस क्लास लेंथ क्या रखना है वो फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। मान लो कि आपने कोई नंबर ले लिया, व्हाटएवर कोई भी नंबर ले लिया, कि यहां पे आपका रेंज 40 आया, डिवाइड बाय आपने 7 किया 5 किया, बराबर। तो आपका जो क्लासेस, सपोज मान लो कि ऐसा नंबर आया 4.12, तो क्लास लेंथ में ऐसा कांसेप्ट है, अगर आपका आंसर डेसिमल्स में आता है, बराबर कोई भी अमाउंट, उसको राउंड ऑफ नहीं करना, डेसिमल्स में आता है, इसके बाद का नेक्स्ट इंटीजर ही आपका आंसर बनता है, मतलब 5। मतलब क्या हुआ, अगर 4.01 है फिर भी 5 लेना है, और 4.99 है फिर भी क्या लेना है, 5 लेना है। इसके बीच का कोई भी नंबर रहेगा आपको क्लास लेंथ 5 लेना है, और क्लास लेंथ हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे 5 10 15 20 25 30 व्हाटएवर। क्लास लेंथ हम कभी भी 3 7 6 8 9 ऐसे क्लास लेंथ हम लोग अवॉइड करते हैं, बराबर। इस केस में भी हम लोग क्या लेंगे, 5 लेंगे, इस केस में भी हम लोग 5 ही लेंगे, इस केस में 5 लेंगे, लेकिन दोनों केस में हम लोग क्लास लेंथ 10 रख सकते हैं। ये प्रैक्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से सम में किस तरह की क्लास लेंथ और कैसे डिसाइड होती है। बट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू R ओपन K, R का मतलब होता है रेंज और K का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्लासेस, कि आप कितने क्लासेस प्रिपेयर करने जा रहे हो, बराबर। और आपकी जो बाउंड्री से यहां पे बेटा जो मैंने लिखा क्लास 10 टू 20, तो ये लोअर बाउंड्री है और ये अपर बाउंड्री है, बराबर। तो इस तरह से हम लोग क्लासेस प्रिपेयर करेंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इतना डिस्कशन किया है इनफ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में सारा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज अवेलेबल ऑन द पेज नंबर 20। फिगर्स रिगार्डिंग द सेल्स इन 1000 रुपीज
of different items in the super mall during 4 weeks are as follow. बेटा आपके पास बहुत सारे numbers यहाँ पे available हैं, numbers भी कितने available होंगे यहाँ पे लिखा होगा, बराबर ना? अभी सबसे पहले क्या करना लिखा है, construct a frequency distribution by classifying these data into 8 classes. The most important point, my dear friends. 8 classes prepare करने हैं, मतलब क्या हुआ? हमने अभी सीखा कि number of classes कितने होने चाहिए, they are lying between 6 to 15. और यहाँ पे पहले से बोल दिया है कि आपको 8 class prepare करना है, 8 classes. तो my dear friends, सबसे पहले हम लोग find करेंगे range. तो उसका फॉर्मूला रहेगा R is equals to XH minus XL. तो बेटा आपके पास हाईएस्ट अमाउंट, जो आपके पास नंबर्स अवेलेबल उसमें हाईएस्ट अमाउंट देखो, वो आपके पास हाईएस्ट अमाउंट 265 है, और उसी में से लोएस्ट अमाउंट देखो तो लोएस्ट अमाउंट आपके पास मिलेगा 80, बराबर. इन दोनों का डिफरेंस बेटा आ रहा है 185. सी, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 0 से लेके 185 तक हम लोग नंबर लिखते हैं तो वो यूजलेस है. इसीलिए रेंज अगर लार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, यस, हम लोग कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड क्लास लेंथ. हम लोग क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ का फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल्स टू आर अपॉन के. अब बेटा आपके पास ये 185 है आर, बराबर, और के आपको क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में कि आपको 8 क्लासेस प्रिपेयर करने हैं. तभी आप अपने कैलकुलेटर पे 185 डिवाइड बाय 8 करके देखो, आप अपने कैलकुलेटर पे 185 डिवाइड बाय 8 करके देखो तो आपका आंसर 23.125 आ रहा है. रिसेंटली श्रीकांत सर ने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका आंसर डेसिमल्स में आता है तो इसके बाद का राउंड फिगर नेक्स्ट नंबर वो आपका क्या बन जाएगा, क्लास लेंथ. लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपके क्लासेस क्लास लेंथ क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा डिसाइड करेंगे कि 5 10 15 20 25 30, इस तरह की क्लास लेंथ अच्छी लगती है, बराबर. अगर इसका नंबर तो नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, लेकिन 24 इज नॉट अ सूटेबल अमाउंट. हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 24 हम लोग यहाँ पे 25 ले सकते हैं. ये टोटल आपका एडजस्टमेंट है, कंपलसरी कुछ भी नहीं होता है, 24 आप नहीं ले सकते, उसकी वजह बताई है तो सूटेबल अमाउंट नहीं है. तो यहाँ पे आपने 185 ले लिया और ये सी कितना हो गया आपका 25, बराबर ना. अभी आपको क्लासेस प्रिपेयर करने, रफ वर्क कर लेते हैं क्लासेस क्या होंगे. तो बेटा आपका जो फर्स्ट क्लास बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट क्लास का रूल्स है बेटा, फर्स्ट क्लास का के वहां पे आपका जो लोएस्ट अमाउंट है कौन सा 80, वो कवर हो जाना चाहिए. कई लोग ऐसा करते हैं कि 80 से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने क्लास किया 80 और मेरा क्लास लेंथ 25 है, तो मैंने 80 + 25 क्या क्या हो जाएगा 105, तो मतलब मेरा ये क्लास बन गया, बराबर. अभी मैं क्या करूंगा, वापस 105 to 130, मतलब वापस 25 ऐड कर देंगे इसके अंदर. 20 यहां पे आ गया लोअर बाउंड्री, बराबर, 25 ऐड करो यहां पे. अब दोनों में 25 ऐड करो, देखो प्रॉपर दिखता नहीं है. हमारा कांसेप्ट ये है कि आपको क्लासेस इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि लोएस्ट अमाउंट फर्स्ट क्लास में इंक्लूड हो जाए. तो देखो मैं एक काम करता हूं, मुझे लगता है कि हम लोग ये वाला कर सकते हैं, कि 75 to 100 ले लो. क्या ले लो, 75 to 100, मतलब क्लास लेंथ 25 का हो गया और मैंने क्या रखा, मेरा फर्स्ट 75. और देखो कंडीशन क्या है कि जो आपका लोएस्ट नंबर है कौन सा, लोएस्ट नंबर 80 है, वो फर्स्ट क्लास में इंक्लूड होना चाहिए. देखो 80 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्लियर हो गया. तो इस तरह से हम लोग क्लासेस प्रिपेयर करेंगे. और बाय द सेम वे जो हाईएस्ट अमाउंट है वो आपके लास्ट क्लासेस में प्रिपेयर होनी चाहिए. Now, अब हम लोग डेटा जो हमारे पास है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे. आपके पास जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ सेल्स दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, बराबर. थाउजेंड्स में अवेलेबल है तो 3000 लिख दिया यहाँ पे. एक्चुअली ये क्लासेस प्रिपेयर करने होंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैली मार्क्स, बराबर. और लास्ट में आपकी होगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम लोग मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ डेज. सो माय डियर फ्रेंड, जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि हम लोग फर्स्ट क्लास 80 to 105 नहीं ले रहे हैं, उसके बदले क्या ले रहे हैं, 75 to 100, ये मेरा फर्स्ट क्लास का. फिर क्या होगा, 100 to 125,
फिर 125 टू 150, फिर 150 टू 175, 175 टू 200, 200 टू 225, 225 टू 250 एंड 250 टू 275। बेटा हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जो हाईएस्ट अमाउंट है कौन सा 265 यहाँ पे है, वो लास्ट क्लास में इंक्लूड हो जाना चाहिए। जैसे 250 और 275 के बीच में 265 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हम लोग एक क्लास और प्रिपेयर करते हैं, बराबर है। इस तरह से हम लोग हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करेंगे। आपको बोला गया था कि आपको 8 क्लासेस प्रिपेयर करने हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए हैं, बराबर। माय डियर फ्रेंड्स, क्लासेस में भी दो तरह के क्लासेस होते हैं, इंक्लूसिव क्लासेस एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस, बराबर। तो ये बेटा आपका एक्सक्लूसिव क्लासेस है। एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है कि लोअर बाउंड्री इंक्लूड होती है लेकिन अपर बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है। मतलब कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास अगर 100 है तो हम 100 को यहाँ पे शो नहीं करेंगे, इसके बदले हम यहाँ पे शो करते हैं। और इंक्लूसिव क्लासेस जैसे 0 टू 9 है, बराबर, और एक क्लास हमारा 0 टू 10 है, ये आपका हो गया एक्सक्लूसिव क्लासेस और ये आपका हो गया इंक्लूसिव क्लासेस, बराबर। तो यहाँ पे इन मतलब लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों को साथ में रखना होता है, और एक्सक्लूसिव मतलब इसको एक्सक्लूड करना होता है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्टीमेटली कोई ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास 10 है तो हम 10 को यहाँ पे शो नहीं करते, वो नीचे की क्लास में शो करेंगे। बाय द सेम वे ये एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप एक्सक्लूसिव प्रिपेयर करो या इंक्लूसिव। मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग एक्सक्लूसिव प्रिपेयर करेंगे, बराबर। देखते हैं यहाँ पे 75 से लेके हमने क्लासेस किए हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि अपर बाउंड्री 100 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव क्लासेस है, इट टेक्स ओनली लोअर बाउंड्री। तो बेटा हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है हम उसके बिहाफ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी होता है। तो फर्स्ट अमाउंट है 228 यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट अमाउंट है 220 यहाँ पे आएगा, फिर 200 है, 200 भी यहाँ पे आएगा। देखो अपने 200 अमाउंट था यहाँ पे भी आता है लेकिन यहाँ पे लिया, क्यों? एक्सक्लूसिव क्लासेस है मतलब हम लोग 200 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे किया, बराबर। उसके बाद 230 है, 230 यहाँ पे आएगा, फिर 125 तो 125 यहाँ पे, आप देख सकते हो 125 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है, अपर बाउंड्री कंसीडर नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया। फिर 125 के बाद 130 भी यहीं पे आएगा, फिर 128 वो भी यहीं पे आएगा, 135 तो भी यहीं पे आएगा, बराबर। फिर नेक्स्ट है 100 तो 100 हम यहाँ पे लेंगे, फिर है 80 तो 80 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 120 तो 120 यहाँ पे आएगा, 120 के बाद 127 तो यहाँ पे आ रहा है, फिर 90 है तो 90 यहाँ पे आएगा, 95 है 95 भी यहाँ पे आएगा, 85 है 85 भी यहाँ पे आएगा, फिर 100 है 100 यहाँ पे आएगा, बराबर। 115 है तो यहाँ पे आएगा, फिर 160 है तो 160 हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, 185 है 185 यहाँ पे आएगा, 145 तो 145 यहाँ पे आएगा, 125 है 125 यहाँ पे आएगा, 180 तो 180 हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, 140 तो 140 यहाँ पे आएगा, फिर 150 तो 150 यहाँ पे आएगा, 230 हम लोग यहाँ पे लेंगे, फिर 200 है हम लोग 200 यहाँ पे लेंगे, फिर 265 है 265 लास्ट क्लास में जाएगा, और 265 के बाद 210 है 210 तो हम लोग यहाँ पे लेंगे। इस तरह से हमने पूरा मैच कर लिया। अभी हमको फ्रीक्वेंसी लिखनी है कितने, यहाँ पे 4 है तो ये हम लोगों ने लिखा 4, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5+3 मतलब 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 3 और 1। लास्ट में हम मेंशन करेंगे टोटल और यहाँ पे n, बराबर। तो आपके पास देखो मैंने क्या बोला था, कल भी बोला था मतलब एक वीडियो में कि आपका टोटल तो राइट ही रहेगा हमेशा, ये फ्रीक्वेंसी राइट होनी चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं, बराबर।
तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 4 8 2 2 4 3 1 और ये आपके पास 28 के टोटल हो गया। तो इस तरह से आपने कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अभी आपको आगे होमवर्क नहीं करना, मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएं, बराबर। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है किस तरह से हमने आगे किया। द मोस्ट वर्ल्ड क्वेश्चन कि आपका जो क्लास लेंथ 23.125 आया था, श्रीकांत सर ने ही आपको समझाया कि इसके बाद का राउंड फिगर क्या होता है 24, तो 24 क्लास लेंथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने बोला कि क्लास लेंथ प्रॉपर मुझे 5 10 15 20 25, ये सारी क्लास लेंथ क्या होती है, प्रॉपर क्लास लेंथ होती है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं बीच में 21 22 23 24, वो सब इम्प्रॉपर है। तो ये इम्प्रॉपर नहीं लिया और हमने क्या किया, प्रॉपर क्लास लेंथ कंसीडर किया, तो ये हमने 25 इसलिए लिया है, बराबर है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर नंबर मिलता जैसे 24.125 आता तो लोग सीधा 25 ले सकते थे, क्लियर। तो इस तरह से इस वीडियो को वापस भी देख सकते हो, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।